नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से पहुंची रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि विज्ञापन आने से पहले अब पटना हाई कोर्ट से लग सकती है शिक्षक बहाली पर रोक। जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं। पूरी की पूरी अपडेट वो प्रोवाइड करेंगे। कल जो है एक बड़ी सुनवाई इस केस पे हो सकती है और कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर ली गई है कि विज्ञापन आने से पहले पहले जो है नई नियमावली और शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है इस पर जो है रोक लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो हम सीधे चलते हैं अधिवक्ता जी के पास और लाइव बातचीत करेंगे उनसे। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भाई लंबे अरसे से बहाली की प्रक्रिया जो है वो रुकी हुई है और शिक्षा विभाग विज्ञापन जारी करने जा रहा है। बहाली का विज्ञापन जारी होने से पहले पटना हाई कोर्ट से बहाली प्रक्रिया पर रोक लग सकती है। नियमावली 2023 को लेकर पटना हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया गया है। विज्ञापन से पहले नियमावली पर रोक लगने की पूरी संभावना जो है वो लगाई जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले आप सुनिए खुद अधिवक्ता के जुबानी कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, किस प्रकार से इस बहाली की प्रक्रिया और नियमावली पर रोक लगाने जा रहे हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है, तो आप पूरा अपडेट जो है अधिवक्ता जी से सुनिए और आप कमेंट पर अपनी राय भी जरूर दीजिएगा दोस्तों कि आप क्या चाहते हैं कि इस विज्ञापन को लेकर विज्ञापन जारी हो या फिर नई नियमावली में संशोधन हो, तमाम प्रक्रियाओं के लिए। चलिए हम बात करते हैं अधिवक्ता से। चलिए, अधिवक्ता सुरेंद्र जी जो हैं वो जुड़े हुए हैं, तो इनसे हम ज़रा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ अपडेट आपको यहाँ पे दिया जाएगा, इनकी ही जुबानी सुनिए आप ज़रा। ऐसा है कि हमने पूरे रूल का अध्ययन किया है, प्रोसीजरल जितने भी इन्फॉर्मेटीज हैं, जितने भी डिफिकल्टीज हैं, सबका विस्तृत अध्ययन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये नोटिफिकेशन आउट एंड आउट इट इज कम्प्लीटली अगेंस्ट द टीचर्स, बिल्कुल शिक्षकों के खिलाफ है। हम लोग फ्राइडे को एक विस्तृत आवेदन पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने जा रहे हैं, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, बस शॉर्ट ड्राफ्ट करेक्शन बाकी है। एक दिन का और समय हमको कल का चाहिए, फ्राइडे को इसको हम फाइल कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पटना उच्च न्यायालय निश्चित तौर में इसमें इंटरफेयर करेगा, क्योंकि एक तो 45,000 पोस्ट मंगा करके आपने 1745 का जो है वो क्लेरिफिकेशन किया है, तीन चांस हमको दे रहे हैं, वो भी आप साहब निगेटिव मार्किंग के साथ, जो जो आज तक कभी नहीं हुआ किसी एग्जाम में, किसी इस तरह के किसी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग कभी नहीं रही, न चांस लिमिट हुआ है। ये सारा चीज पहली बार हो रहा है, वो भी टीचर के ही बहाली में हो रहा है। इसलिए इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक विस्तृत याचिका पटना उच्च न्यायालय में फ्राइडे को उम्मीद करते कि हम दाखिल कर देंगे। उस नोटिफिकेशन में जितने लोगों का नोटिफिकेशन हुआ था, सारे लोगों की बहाली उसी प्रक्रिया में होना चाहिए था। ये भी है, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, बस शॉर्ट ड्राफ्ट करेक्शन बाकी है। एक दिन का और समय हमको कल का चाहिए, फ्राइडे को इसको हम फाइल कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पटना उच्च न्यायालय निश्चित तौर में इसमें इंटरफेयर करेगा, क्योंकि एक तो 45,000 पोस्ट मंगा करके आपने 1745 का जो है वो क्लेरिफिकेशन किया है, तीन चांस हमको दे रहे हैं, वो भी आप साहब निगेटिव मार्किंग के साथ, जो जो आज तक कभी नहीं हुआ किसी एग्जाम में, किसी इस तरह के किसी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग कभी नहीं रही, न चांस लिमिट हुआ है। ये सारा चीज पहली बार हो रहा है, वो भी टीचर के ही बहाली में हो रहा है। इसलिए इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक विस्तृत याचिका पटना उच्च न्यायालय में फ्राइडे को उम्मीद करते कि हम दाखिल कर देंगे। बहाली उसी प्रक्रिया में होना चाहिए था, ये निश्चित तौर पर गलत है। और वंस देयर इज ए प्रोसेस इनिशिएटेड, हमने आपको बताया ना, कल भी बताया था कि साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रूल के बीच में, गेम के बीच में रूल चेंज नहीं हो सकता है। जब प्रक्रिया शुरू हो गई तो वो बहाली जो फिजिकल टीचर की, वो बाकी शिक्षकों का भी उसी प्रक्रिया के अंतर्गत होना चाहिए था। यह नहीं हुआ तो बिल्कुल गलत है, हम याचिका में इस बात को उठाएंगे कि साहब इसको इसमें रोक लगाया जाए और हम लोगों को उसी प्रक्रिया के तहत बहाली करने का आदेश निर्गत करने की कृपा की जाए। एक दिक्कत यह है कि 4 हफ्ते के लिए कोर्ट बंद हो रहा है, फिर भी हम प्रयास करें कि इसमें कम से कम एक अंतरिम आदेश जो है